सो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से और एक नया वीडियो पर। तो गैस अभी खाना वाना खाने के बाद ना काफी टाइम हो चुके हैं, लगभग अभी 2 बज चुके हैं और सुबह से काम करते करते ना हालत खराब हो चुके हैं और मेरा घर तो ऑलरेडी बन चुका है, नीचे का पुल बन चुके हैं और यहाँ पर साथ में लगेगा बेरा और यहाँ पर फूफा जी वो एनर्जी बना रहे हैं कॉइनी सादा, उसके बाद काम में लग जाएगा और मुझे जाना पड़ेगा अभी बैंक में जाना पड़ेगा, तो कुछ पैसा निकलना पड़ेगा वहाँ से, बस कैश भी चाहिए ना इसलिए। सो अभी चलते हैं वापस और मेडिसिन भी लिया हमें वाकवा के लिए, तो बारिश के कारण ना और उसका सर्दी हुआ था, कल रात को हम लोग गया था वो बारिश में बिक बिक के आया भी था, उसी की वजह से सर्दी का दवा भी लिया हूँ और बैंक से पैसा भी उधर रखे, यहाँ भी चलता सीधा घर पे ही। यहाँ पर काफ़ी सारे बेम्बो खाद कर रख चुके हैं तो यहाँ पर भी देना पड़ेगा, मतलब इसमें बेरा बनेगा, बेम्बो का वॉल बनेगा आधा हिस्सा और ये तो बस यहाँ तक आधा हिस्सा बन चुके हैं और ये वाला हिस्सा बाकी है, ये वाला हिस्सा बनने के बाद और ये कंप्लीट होने के बाद कुछ पार्टी होगा, पूजा भी होगा। यहाँ पर गैस सबसे पहले बेम्बू कैसे करके काटते हैं, उसके बाद ऐसे करके फाड़ते हैं, कई टुकड़ों में काटना पड़ता है, तंग तंग करके ऐसे काटना पड़ते हैं, उसका घुमा घुमा के ऐसे घुमा जाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, उसके बाद इस तरह छीर फाड़ते हैं, ऐसे बनते हैं, उसके बाद वो बुनते हैं वाल जैसा। यहाँ पर पता है दोस्तों हमारा गरबा कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद मस्त लगेगा, मजा आएगा। ये इसको भी थोड़ा सफाई करना पड़ेगा, लेकिन ये ना बिजी फेस्टिवल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर फिर से एक तो ऐसे करके यहाँ पर आगे बढ़ा दूंगा, तो वहाँ पर बस रेस करने का भी है ओनली, तो यहाँ पर भी रहेंगे गैस ना, ठंडा दिन में यहाँ पर रहेंगे यहाँ पर और गर्म दिन में वहाँ पर रहेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे हम लोग। यहाँ पर कितना 500 बच्चा चढ़ गए हैं, बच्चा बढ़ते 14-15 साल का लड़का लोग, वो लगता है वो नेटवर्क के तलाश में ऊपर में है, क्योंकि गांव में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है इसलिए, और मैं जियो का नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना इसलिए मैं कंप्लेन किया हूँ, मैं कल तक आ जाएंगे जियो की कंपनी के वहाँ से, तो महीना में 600 रुपये बढ़ना वो जियो एयर फाइबर में, तो ये कम नहीं यार, तो काफ़ी पैसा मतलब बढ़ता है उसमें, जब नहीं चलेगा तो मुझे काफ़ी बार जाना पड़ रहा दूसरा गांव की तरफ पे या वो थान में जाके अपलोड करना पड़ता है। दोस्तों ये है मेरा इन्वेस्टमेंट, तो एक पौधा 30 रुपया, यहाँ पर लगभग 5,000 है, तो यहाँ पर जंगल है ना, इसको अभी इसे सफाई करना पड़ेगा बढ़िया से, वो वाला हिस्सा तो सफाई कर चुका हूँ वो वाला हिस्सा, और इसको सफाई करेंगे, काफ़ी मच्छर है भाई, और मैं सुबह आया था यहाँ पर सफाई के लिए लेकिन जोरों शोरों से बारिश हुआ था हो रहा था, इसी आवाज़ में भाग गया यहाँ से, तो इसको सफाई करते हैं जंगल को ही, पूरा जंगल था दोस्तों इसलिए, तो मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगाया हमें, इसमें यूट्यूब पेमेंट बहुत लगाया हमें, 2 साल के बाद ये मिलेगा काफ़ी पैसा आराम से, आँख में मिट्टी घुस गया इसको खिलाते खिलाते, देख लीजिए बड़ा बड़ा हो गया, इतना होने से सेलिंग कर दूंगा, एक तो 30 रुपया सेलिंग होता है ये, अभी तो इतना हो गया, इतना होने से सेल कर दूंगा, 1 पीस 30 रुपीज़, इसमें है 5,000, उसमें है एक उस तरफ है 10,000, कितना मिलेगा मेहनत करना पड़ता भाई, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉस अभी मैं यहाँ पर इतना ही सफाई किया हमें और चलता है यहाँ से, क्योंकि और भी वीडियो बनाना है, क्योंकि वीडियो से ही हम लोग का रोज रोजी सब कुछ चलता है, और अभी वहाँ पर फूफा जी अकेले घर बना रहे हैं तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि कभी कभी वो अपना मन और मुताबिक बना देता है कि इसे ऐसे बोलना पड़ता है, इसको सीधा करना है, ऐसे ऐसे बोलना पड़ता है, कभी कभी ना अकेले वो चीज़ कर नहीं सकते हैं, 2 आदमी चाहिए क्योंकि पकड़ने के लिए भी, अभी चलते हैं देखने के लिए, अभी मिस्त्री 2 हो गया, 2 को हो गई बानी, तो इसमें बेम्बू का वो 20 का हिस्सा जो कि बहुत था पता है, इसको ऐसे कर रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं, तो इसमें वॉल बनेगा, एक तो वॉल वॉल जो 20 ये काफ़ी नुकीला होते हैं,
कमरे को इजीली काट देते हैं हाथ को। दो हो गया, अभी पहले एक थी अभी दो हो गया। यहाँ पर बनेगा दरवाज़ा ये इसमें, और वहाँ पर वैस वाला, और वहाँ पर भी एक तो दरवाज़ा बनेगा। तो उसके लिए लकड़ी वहाँ पर रख चुके हैं, लकड़ी तो मोर देन 5000 लगा लकड़ी का कीमत। तो आपका वहाँ पर ना 70-80 या 1 लाख भी दे सकते हैं आपके। वहाँ पर लकड़ी बहुत महंगा रहे, हमारे यहाँ पर सस्ता आते हैं लकड़ी, तो फिर भी 30,000 से ज़्यादा की है। और लगभग 10 साल तक ही चलेगा ये, उसके बाद मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, यूट्यूब में खूब वीडियो बनाएंगे और खेती खूब करेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि 10 साल के बाद बढ़िया सा घर बनाने को। तो मैं जहाँ पर ज़मीन लिया ना उसमें ही बनाएंगे, यहाँ पर बस हम टेम्पोररी रहेंगे कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए रहेंगे इसमें, और आगे चला जाएंगे अपना जगह पर ही जाएंगे। यहाँ पर है जियो फाइबर का वो एंटीना, काफ़ी ऊँचा में है लेकिन काम नहीं करता कभी कभी, इसलिए कंप्लेन करना पड़ता है। अगर कंप्लेन करने से तो कुछ लोगों को खराब लगते हैं जो बनने के लिए आने वाला, वो लोग के लिए काफ़ी दूर में ना और प्लस रिमोट एरिया में नहीं चलता है। लेकिन आजू बाजू में तो टावर है वो 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में, लेकिन सब पुरजे इसके लिए पाइप भी चाहिए। एनर्जी टॉनिक बना रहे हैं भूपा जी, फिर से अभी एनर्जी आएगा, कोई नहीं, सादा श्रुति। लेकिन गैस में एक बार टेस्टिंग किया था, टेस्टिंग करने के बाद ना मुझे बहुत चक्कर आते हैं, उल्टी आते हैं, बहुत पहले टेस्टिंग किया था वो चीज़ें शुरू थी, कोई नहीं, और मुझे लगता है फिर से और एक बार टेस्टिंग करना चाहिए लेकिन ले नहीं सकता यार, बहुत चक्कर आता है मुझे वो चीज़ टेस्टिंग करने से। बन गया पूरा बन गया, रेडी हो गया, एनर्जी आदमी सभी फिर से काम पे लग जाएगा। लेकिन मैं खा नहीं सकता वो चीज़, ट्राई किया था, चक्कर आता है, उल्टियाँ आते हैं गैस वो एनर्जी तो निकालने से इसे ही फाड़ते हैं, उसके बाद वहाँ पर रखते हैं, चारों तरफ पर वाल बनेगा लकड़ी का वाल। लेकिन चोर लोग ना वो दावों से चाकू से डंग डंग खत कूद के आराम से सामान चोरी कर सकते हैं, लेकिन आवाज़ करते हैं तो डंग डंग मारने से तो हम लोग तो आराम से जग जाएंगे। फाइनली हो गया काटिंग तो सब जगह के लिए, नया मिस्त्री पुराना मिस्त्री, पूरा थक गया ये काम करते करते, ये भी थक गया। सो दोस्तों काफ़ी सारे लोग नाराज है क्योंकि मैं गेम प्रमोशन करता हूँ ना मेरा यूट्यूब वीडियो में, तो मैं एक्स वाले वो पैसों के लिए करता हूँ क्योंकि आजकल ना मेरा व्यूज काफ़ी डाउन हो गया, तो इनकम इतना नहीं हो रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा कमाई के लिए गैस। तो अच्छा खासा तो पैसा मिलता है वहाँ से, तो वहाँ पर कोई भी इन्वेस्ट मत कीजिए, लेकिन वीडियो को तरह तरह देख दीजिए, प्ले करके तरह तरह देख दीजिए भाई वाला वीडियो को। और अभी चलते हैं वो पिताजी का वहाँ पर, मम्मी का वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सब्जी है, मूली है, सब्जी खोजने के लिए चलते हैं मैं और प्रियंका। वाह चलो छुट्टी हो गया, सीनियर मिस्त्री ने जूनियर मिस्त्री को छुट्टी दे दिया और बस इतना ही बन चुके हैं। तो ये वाला हो गया, ये वाला नहीं हुआ है क्योंकि पट्टा अभी तक वो सूखा नहीं है, सूखने के बाद पतला होगा तो अपना लाने के लिए बहुत आसान होगा। और बस इतना ही आज का अपडेट, घर की अपडेट। सले 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 सले, कहाँ गया कलुआ, गायब हो गया कलुआ। सले ए क्या करता, सले 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 सले। और घर में पहुँचने के बाद घर में मम्मी पिताजी नहीं है, मम्मी इसी में आ गया, पता नहीं पिताजी कहाँ गायब हो गया, इसी में ही है मम्मी, दोनों बात कर रहे आपस में। और ये यहाँ पर है कलुआ, आ गया घुमक कर, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं मिस्टर कलुआ। म्यूजिक वहाँ रहे, म्यूजिक वहाँ, म्यूजिक रे म्यूजिक। मर कलुआ सेले 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 सेले। अभी चलता है यहाँ से लौट के, यहाँ पर तो पढ़ाई चल रहे हैं और पिताजी पता नहीं कहाँ गए हैं, घूम के वापस आ गया, एनर्जी खा रहा है, एनर्जी बना रहा है।
दस का गढ़ में गया था घूमने के लिए इनर्जी पता नहीं कहाँ से सीखा है, किसने सिखाया ये खाना आपको? पिताजी ने सिखाया है। हाँ खाता है तो खाता है और पिताजी ने कहता तो हम भी नहीं खाता। जबाने का था मैंने बचपन में जबाने का था हमने। और मम्मी यहाँ पर पाइन एप्पल दे रही है, पाइन एप्पल तो इसका फिनिश कर देंगे लेके जाएंगे। जूस पिएगा जूस। इसमें है फॉर्क के स्टैंड और यहाँ पर स्पॉन। अरे खाते हैं खाना। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और मिस्त्री अब तो सुबह सुबह आ गए हैं और हमसे पहले जाता है। मैं तो वो नींद से मैं जागता भी नहीं। तो अभी तो टाइम हो चुके हैं काफ़ी और आज तो अकेले है मिस्त्री बाबू। पोर्सन इसका इनका पेन फाट गया था इसलिए लुंगी पहन के आ गया, पिछवाड़ा में बड़ा छेद हो गया। अब इसको कटिंग कर रहे हैं। लगता है कि आज तक ये दो तरफ नहीं तीन तरफ कंप्लीट हो जाएगा वो वाल, बस बचेगा सिर्फ ऊपर का हिस्सा, मतलब बाल एक तरफ का है छपरी कटिंग का ये वाला है और ये वाला नहीं है, बस बाल ही फेंडिंग है। तो वो फेंडिंग है ओनली। और यहाँ पर काफ़ी सारे नुकड़े निकले बेम्बू का सीढ़ी है बोट तो सार पड़ते हैं, ये पूरा संभाल के घूमना पड़ते हैं। और ये वाला होने के बाद छपरी से नहीं आएगा, डायरेक्ट पूरा मस्त लाएगा, हैंडसम लाएगा। इसको ऐसे ऐसे बुनते हैं। तो फ्लोर तो पूरा कंप्लीट हो चुके हैं, फ्लोर को बढ़िया से सफाई करना पड़ेगा। अभी बस ये बच्चा है उसके यहाँ पर ऐसे 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 करके देने के लिए। और किचन का काम तो वो फेंडिंग है वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। और मैं ये नेक्स्ट ईयर यहाँ पर वो सब बना दूँगा, यहाँ पर बस रेस्ट करने के लिए। यहाँ पर सीधा कुछ लोग को बहुत पसंद है ऐसा वाला बेम्बू लकड़ी का घर, और कुछ लोग को पसंद नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे वाला घर क्योंकि काफ़ी ठंडा होता है ना, और गर्मी का दिन में हम लोग यहाँ पर रहेंगे, ठंडा दिन में वहाँ पर रहेंगे, वो तो गिर जाएगा, गिरने वाला है, कभी गिर सकता है वो, कोई मतलब उसका आता पता नहीं है। और ये तो पूरा सिलाई हो चुके हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि पानी गिर सकता है, नहीं गिरते पानी, तो जब तक वो पत्ता नहीं सड़ेंगे तब तक नहीं गिरेंगे। तो पत्ता सड़ने के बाद गिर जाएगा, आराम से पानी गिरेगा। काफ़ी है बेम्बू, लगता है कि बेम्बू फिर से कटना पड़ेगा। मिस्त्री जी का कहना है कि बेम्बू और नहीं चाहिए और थोड़ा मरत लगना पड़ेगा, शायद कंप्लीट हो भी सकते हैं। यहाँ पर भी है बेम्बू, उस तरफ भी बेम्बू और पीछे तरफ भी है बेम्बू जो कि पिताजी ने मुझे दिए हैं वो सीधे। और तुको पत्ता लगाना बाकी है तो उसको लाएँगे, बाइक से लेके आएंगे। लगभग 7-8 बार आप दान करना पड़ेगा तो अभी आ पाएगा। गोद में बिठा के लेके आएंगे तो पत्ता और 20-20 करके बांध के लेके आएंगे। अभी तक ड्राई नहीं हुआ, ड्राई होने के बाद हल्का हो जाएगा ना, हल्का होने से थोड़ा ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत इजी होता है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर से थोड़ा अधिक है ये वो तो पत्ता, और अभी इतना अच्छा नहीं फिर भी चलेगा आराम से। यहाँ पर दो टंकी है लेकिन ये वाला वो थोड़ा खराब है, किसी काम का नहीं है। तो वो वाला ससुर जी का है, वो भी वो बढ़िया है, लेकिन ये भी ससुर जी का मुझे बढ़िया वाला खरीदना पड़ेगा। और भाई यूट्यूब को भी संभालना है और प्लस खेत को भी देखना, काफ़ी वो टाइम वो मैनेज करना पड़ता है, स्टेबल नहीं रहता है भाई बहुत है। तो अभी चलते हैं यार अपना काम पे। तो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है जंगल ना, ये काफ़ी तेज़ी से बड़ा हो रहे हैं तो इसलिए मुझे अभी दवाई मारना पड़ेगा, तो ख़त्म कर दूँगा। उसके बाद उसमें ट्रैक्टर चला के यहाँ पर हम लोग खेती करेंगे और टमाटर की खेती करेंगे, उलगुबी खेती करेंगे और खा खेती करेगा शलगुम बंदा गोभी उलगोभी बैंगन और रसून प्याज करेगा। चलो इसको अभी फिनिश करते हैं भाई, फिनिश। और मैं यहाँ से साग तोड़ रही हूँ, पता नहीं ये कौन सा साग है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ पे ये दवाई मार रहा है ना, तो इसलिए मैं यहाँ से साग तोड़ के लेके जाऊंगी। सर दोस्तों आखिरकार वो टैंक वो वाला में टैंकी का सब में दवा भी मार दिया हमें, और बस ये वाला इसको भी सफाई करना बाकी है, तो मैं शाम तक इसको फिनिश कर दूंगा। और वहाँ पर खेत में भी किनारे किनारे बाकी है, उसको भी मैं शाम तक फिनिश कर सकता हूँ हमें। और अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा चक्कर दवाई और हाथ पे भैंस वॉश करते हैं, उसके बाद अपना वीडियो को फिनिश करेंगे। यार मिल गया ये वाला शक, हम लोग को जाते हैं शक। और ये है टमाटर का फोड़ा और धूप के लिए, और ये पूरा मतलब जंगल हो रहा है, इसको भी पूरा खत्म कर दूंगा, लेकिन ये शाम तक फिनिश हो जाएगा यार, ये एक भी नहीं बचेगा। और यहाँ पर बेम्बू पड़ा हुआ है, उसको भी हटाना पड़ेगा, उस तरफ है, इस तरफ है बेम्बू, उस तरफ है बेम्बू, तो फिर भी मुझे खरीदना पड़ेगा। सर दोस्तों कल की वीडियो को आज सुबह सुबह फिनिश करेंगे ना, तो मिलेंगे कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। तो बाय बाय गाइस, बढ़िया से रहना, बर्फ खाना खाना और खूब इंजॉय करना, और मुझे देर शराब प्यार करना, लेकिन जिस गेम को मैं प्रमोट करता हूँ उसी गेम को आप एक रुपया भी इन्वेस्ट मत करना भाई। और यहाँ पर स्टार्ट हो गया बेम्बू की वाल, तो गाइस ये वाला नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। टिल देन बाय बाय सभी को गाइस।